साहस सरोकार। रूस यूक्रेन युद्ध का 31वां दिन, हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब में तेल डिपो को बनाया निशाना। भारत के साथ सीमा विवाद को लेकर चीन का बड़ा बयान, द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए रखा 3 सूत्री दृष्टिकोण का प्रस्ताव। पिछले 5 दिनों के अंदर चौथी बार बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। अनिल अंबानी का बड़ा फैसला, आर पावर और आर इंफ्रा के डायरेक्टर पद से दिया इस्तीफा। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन की मोदी सरकार को सख्त चेतावनी, झारखंड के कोयला खनिज पर लगा दे ताला। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। योगी सरकार 2.0 सरकार की पहली कैबिनेट बैठक आज सुबह 10 बजे होगी। वहीं 11 बजे योगी आदित्यनाथ राजभवन में प्रोटेम स्पीकर के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे, जिसके बाद 11:30 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ सचिव स्तर से ऊपर के सभी आला अधिकारियों को संबोधित करेंगे। बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने भव्य शपथ ग्रहण समारोह में शुक्रवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके अलावा योगी कैबिनेट के 2 डिप्टी सीएम, 50 अन्य विधायकों ने मंत्री पद, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री पद की शपथ ली। योगी कैबिनेट में योगी समेत 53 मंत्री शामिल है। देश में महंगाई बढ़ती जा रही है। आज पेट्रोल और डीजल के दामों में फिर से बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के दाम 80 पैसे बढ़ गए हैं, जिसके बाद राजधानी में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 98.61 रुपए और 1 लीटर डीजल की कीमत 89.87 रुपए हो गई है। कल भी राजधानी दिल्ली में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई थी। 4 महीने से ज्यादा के अंतराल के बाद मंगलवार को पहली बार इन कीमतों में बदलाव किया गया था, जिसके बाद पिछले 5 दिनों के अंदर चौथी बार ईंधन महंगा हुआ है। आशंका है कि रूस के खिलाफ मौजूदा प्रतिबंध ज्यादा वैश्विक आपूर्ति को कम कर देंगे और विकास को प्रभावित करेंगे। कच्चे तेल की कीमत सीमा भारत के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि इससे पेट्रोल और डीजल 15 से 25 रुपए महंगा हो सकता है। फिलहाल भारत अपनी जरूरत का करीब 85% कच्चे तेल का आयात करता है। योगी मंत्रिमंडल में बलिया से दानिश आजाद अंसारी ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में शपथ ली। दानिश आजाद बलिया के सुखपुरा थाना क्षेत्र के अपालियल गांव के रहने वाले, और उनके शपथ लेने के बाद से ही उनके पैतृक गांव में जश्न का माहौल है, जहां दानिश आजाद अंसारी के माता पिता बेटे की कामयाबी से बहुत खुश हैं। तो वहीं राज्य मंत्री के परिवार वालों का कहना है कि ये भाजपा और मोदी योगी के साथ ही संभव है कि एक सामान्य परिवार का बेटा भी मंत्री बन सकता है। मेरे परिवार में मेरा भतीजा दानिश आजाद अंसारी मंत्री बना है स्वतंत्र प्रभार, और उसी शिक्षा दीक्षा बलिया से हुई है, और बलिया से इंटर करने के बाद वो फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और फिर एबीपीबी से जुड़ा रहा। आज वो मंत्री है स्वतंत्र प्रभार। हम लोग को बहुत खुशी हो रही है कि लड़का हमारा आगे जाए और प्रदेश और देश को आगे विकसित करे। तो एक सामान्य परिवार से निकला हुआ बच्चा जो है वो लखनऊ तक पहुंचता है और फिर पार्टी में में जो है वो काम करता है और आज मंत्री बन जाता है। कभी आपने सोचा था कि आपके परिवार का बच्चा मंत्री भी बनेगा? नहीं, ये तो नहीं सोचा था कि मंत्री बनेगा, लेकिन शुरू से बहुत तेज तर्रार रहा, पढ़ने भी बहुत तेज रहा, और पार्टी जब ज्वाइन किया तो बहुत तेज़ी से वो आगे बढ़ता चला गया। बहुत मेहनत किया है, आज अपने मेहनत के बलबूते पर योगी सरकार में मंत्री है। श्री योगी जी उसको बहुत शुरू से बहुत मान।
आगरा की दक्षिण विधानसभा से तीसरी बार विधायक बने योगेंद्र उपाध्याय को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने से आगरा में काफी खुशी का माहौल है। वहीं इस दौरान मुस्लिम धर्म के लोगों ने एक साथ मिलकर खुशी का इजहार किया, जबकि आगरा ग्रामीण सीट से बेबी रानी मौर्य और धर्मवीर प्रजापति को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। योगी सरकार में आगरा से तीन लोगों को शामिल किए जाने से पूरे जनपद में कार्यकर्ता और शुभचिंतक जश्न में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि साहब मुसलमान बीजेपी के साथ नहीं है, लेकिन इतिहास में इस बार ऐसा हुआ है। इस क्षेत्र से दक्षिण विधानसभा ये लगती है, यहाँ से माननीय योगेंद्र उपाध्याय जी जो विधायक चुन के गए हैं, मुस्लिम समाज ने इस बार उनको खूब वोट दिया है और उसकी दुआओं की बरकत से और उनकी वजह से और सभी पूरे आगरा शहर के लोगों ने जो वोट दिया उसके बाद आज वो कैबिनेट मिनिस्टर बने गए हैं। इसलिए आज मुसलमान बहुत खुश है और वो बहुत अच्छे इंसान हैं, हमेशा मुसलमानों के काम में आते हैं, इसलिए खुशी के माहौल में हम लोग उत्साह मना रहे हैं। आज जो ये कार्यक्रम किया गया है वो मुसलमानों ने अपनी खुशी का इजहार किया है। लगातार तीसरी बार विधायक बने योगेंद्र उपाध्याय जी हैट्रिक मारकर आए हैं और उन्हें कैबिनेट में जगह मिली है, तो उसमें मुस्लिम समाज ने अपनी खुशी का इजहार किया है और मुस्लिम समाज के वो वक्त पे काम आते रहे हैं। इस बार इस वजह से मुस्लिम समाज ने उन्हें काफ़ी वोट भी दिया है और आगे भी उनसे जुड़े रहेंगे और वो काम आएंगे। ये गोरखपुर के रहने वाले सैनिक धनंजय यादव की संदिग्ध हालत में सिक्किम में मौत हो गई, जिसके बाद शुक्रवार सुबह उनका पार्थिव शरीर जब गांव पहुंचा तो सैकड़ों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, लेकिन सैनिक के पार्थिव शरीर के साथ उनकी बटालियन से कोई नहीं आया। साथ ही बटालियन से घर वालों के पास फोन आया कि धनंजय को शहीद का सम्मान नहीं मिलेगा। इसके बाद परिजनों और ग्रामीणों का गुस्सा भड़क गया, जिसके बाद लोगों ने जमकर हंगामा करते हुए मांग की कि मृत सैनिक को शहीद का दर्जा मिले, साथ ही उचित सम्मान के साथ अंतिम विदाई हो और बहन को सरकारी नौकरी दी जाए। जिसके बाद ही नाराज लोगों ने शहीद का पार्थिव शरीर रखकर गोरखपुर देवरिया मार्ग जाम कर दिया और गोरखपुर लोकमान्य तिलक रनिंग गाड़ी को चौरी चौरा में रोक लिया गया और इसके करीब एक घंटे तक रेलवे ट्रैक बाधित रहा। हमारी एक लड़की है, अभी शादी नहीं हुई है, मैं कहाँ जाऊँ, मैं बेरोजगार हूँ, हमारा लड़का त्याग करके अब देश की सेवा में लगा, लेकिन आज लड़का भी चला गया, आज सम्मान भी चला गया। बाबा जी, उत्तर प्रदेश सरकार से क्या हम यही मांग रहे हैं बाबा जी से कि हम हमारी देखभाल करें, हमारी हमारे बच्चे को पहले सम्मान दिलाइए। हमारी लड़की है, उसकी कैसे मैं शादी विवाह करूँगा, हम लोग का पालन पोषण कौन करेगा। हम बाबा जी से रिक्वेस्ट करते हैं, बाबा जी मैं आपके जिले का हूँ, बाबा जी हमारे बहुत गरीब आदमी, मैंने एक ही लड़का था, आर्थिक स्थिति खराब के नाते मैंने फौज में सौंप दिया था, मैं नहीं समझा कि हमारे लड़के की दशा होगी। धनंजय यादव, श्री धनंजय यादव जो फौज में तैनात थे, वो सिक्किम में तैनात थे, उनकी मृत्यु होने के पश्चात परिवार के साथ उनका शव यहाँ पे चौरी चौराहे में आया था। परिवारजनों के साथ आज कुछ समर्थकों द्वारा चौरी चौरा चौराहों पे देवरिया रोड को ब्लॉक किया गया था और वहाँ पे उनकी मांगें आई थी। हमारे पूरे प्रशासन की टीम ने लगातार उनसे वार्ता कर रही थी, परिवार की कुछ मांगें थी, हमने उनको आश्वस्त किया था कि नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उसी बीच में कुछ तत्वों द्वारा पथराव किया गया और कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की गई। पूरे प्रशासनिक टीम ने वहाँ पे सूझबूझ का परिचय देते हुए कानून व्यवस्था को नियंत्रण किया, परिवार के साथ शव को गांव तक पहुँचाया सुरक्षित रूप से और उन परिवार से बात करके कल सुबह अंतिम संस्कार करने की सहमति बनी है और उसको हाँ पूरे महाराजगंज जिले के धानी ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम बरगाहपुर के टोला रामफल जोत निवासी बबलू साहनी पिछले महीने समुद्र में मछली पकड़ने गया था, जहां रास्ता भटककर वो पाकिस्तान की सीमा में घुस गया। इसके एक साल पहले भी उमेश सहनी नाम का 40 वर्षीय युवक पाकिस्तान की सीमा में पकड़ा जा चुका है, जो अभी तक घर नहीं आया है। वहीं युवक के परिजनों का कहना है कि बबलू पूरे घर का सहारा है, जो गुजरात में मछली पकड़ने का काम करता है। वहीं इस पूरे मामले पर जिलाधिकारी ने कहा कि मिनी सीएम ऑफिस गोरखपुर में जाकर समस्या से अवगत कराने की बात कही गई है। बॉर्डर मालूम ना रहा, हमारे लड़का बाऊ पाकिस्तान और चल गए बाऊ। कैसे आप लोगों को पता चला इसकी? अब वहाँ से पता चलल बेटा, वहाँ से सेठ फोन कैले
तब हमके पता चलल, तब आप लोग के सहयोग हम भीख मांगे लगली। बाबू हमारे उहे भर बटलो रहन है बाबू, हमारे और के हुनाए रहल हो बाबू, उहे भर रहन है हो बाबू। तो इसके इसको लेके आपने कहीं अधिकारियों से मिली, इससे बात की? हाँ, अधिकारी लग हम डीएम लग गई लाली बाबू। क्या कहे उन्होंने? हाँ, डीएम साहब कहने कि तुम गोरखपुर चल जा और उनके करिया ला पे। अरे अरे का ना हो बाबू, भुला गई योगी आदित्यनाथ के लगे कहना है चल। योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही वो प्रदेश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बन गए जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद दोबारा सत्ता संभाली है। बीते गुरुवार योगी आदित्यनाथ को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया गया, जबकि बीते 25 मार्च को योगी के शपथ लेते ही कानपुर में भाजपा कार्यकर्ता का उत्साह दोगुना हो गया। इस दौरान परेड चौराहे पर भाजपा कार्यकर्ता ने आतिशबाजी कर अपनी खुशी जाहिर की। मैं जिला कार्यालय मंत्री भाजपा। शपथ होने के बाद किस हिसाब से आप लोग जश्न मना रहे हैं? शपथ होने के बाद जिस तरह हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बुलडोजर चला के जो भूमाफिया है जिन्होंने क्राइम किया है उनको जड़ से उखाड़ने का काम किया है, हम युवा इससे बहुत खुश हैं। हम लोगों ने आतिशबाजी और प्रसाद वितरण करके, लड्डू वितरण करके हम कार्यकर्ताओं ने खूब उल्लास के साथ जश्न मनाया है। जनता के लिए आप क्या कहेंगे विकास के नाम पे? जनता के लिए जो अभी तक विकास योगी जी ने किए हैं, अब उससे भी बुलडोजर की स्पीड में अब विकास होगा। अब उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा और हर कार्यकर्ता अपने क्षेत्र के पब्लिक। खबर औरैया से है जहां एरवा कटरा में सराफा की दुकान पर लाखों की टप्पेबाजी हुई। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। आपको बता दें कि एरवा कटरा बाजार में उस समय हड़कंप मच गया जब एक व्यक्ति बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल से आया और एक ज्वेलर्स की दुकान पर पहुंचा, जहां दुकानदार ने युवक को ज्वेलरी दिखाई, जिसके बाद दुकानदार ज्वेलरी दिखा रहा था कि तभी वहां से आभूषण लेकर युवक रफू चक्कर हो गया, जिसकी पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद दुकानदार ने पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी दी। खबर बिजनौर से है जहां 4 साल की मासूम बच्ची जो अपने घर के बाहर खेलते खेलते गायब हो गई और कुछ दिनों बाद उसका शव गन्ने के खेत में चादर से लिपटा हुआ मिला। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई, जिसके बाद पुलिस ने हत्यारोपी की तलाश शुरू कर दी है और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। 22 तारीख को एक 4 वर्षीय बालिका अकबरपुर देवमल थाना नाटौर की अपने गांव से थोड़ा ही बाहर स्कूल के पास से खेलते समय गायब हो गई थी। 8 बजे फिर किसी ने कहा 9 बजे देखा, 10 बजे देखा, फिलहाल प्रातः गायब हो गई। गांव वालों द्वारा दिन भर ढूंढा गया, नहीं मिली। पुलिस की सूचना मिली, 363 किसी का अभियोग पंजीकृत किया गया, सर्च अभियान जारी किया गया। क्षेत्राधिकारी एसपी पूर्वी के नेतृत्व में बालिका नहीं मिली। दूसरे दिन 23 तारीख को लगभग 9 बजे के आसपास बालिका बरामद हुई, एक कपड़े में लिपटी हुई हालत में। पुलिस ने गहनता से छानबीन किया, कई टीवी लगाई गई एसपी पूर्वी के नेतृत्व में। ये मालूम हुआ कि यह कपड़ा कई लोगों ने पहचाना कि अर्जुन। तो गन्ने के खेत में बच्ची का शव मिला है। पिछले कुछ दिनों से बच्ची लापता थी और हत्या कर दी गई है और पुलिस ने अब इसकी छानबीन शुरू की, जिसके बाद आरोपी का पता लगाया और उसको गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि 4 साल की बच्ची जो कि अपने घर के बाहर खेल रही थी और खेलते खेलते वो अचानक गायब हो गई और कुछ दिनों बाद उसका शव गन्ने के खेत में मिला। बिजनौर की खबर है। कुशीनगर में पुलिस अधीक्षक सचिंद्र पटेल के निर्देशन में अपने पुलिस अधीक्षक कुशीनगर के पर्यवेक्षक और क्षेत्राधिकारी तमकुहीराज के नेतृत्व में जनपद कुशीनगर के थाना पटहरवा क्षेत्रांतर्गत ग्राम सोन बरसा नोनिया पट्टी सतही घाट देवरिया बॉर्डर में बदमाशों से थाना पटहरवा और स्वाट की संयुक्त टीम की ओर से मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश नैजुद्दीन को गोली लगने से घायल हुआ है और पुलिस टीम की तरफ से आलोक यादव की मुठभेड़ में घायल हो गया है और मौके से अभियुक्त भी मोटरसाइकिल, एक अदद पिस्टल और एक अदद चाकू कब्जे में लिया गया है। घायल अभियुक्त को नजदीकी सीएचसी फाजिल नगर में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है।
देवरिया बॉर्डर पे जो है इनकी लोकेशन मुखबिर के माध्यम से प्राप्त हुई। टीम उसके गिरफ्तारी हेतु सघन प्रयास कर रही थी। उस क्रम में सोनबरसा नुनियापट्टी पे जो है अभियुक्त की लोकेशन प्राप्त हुई और टीम द्वारा जो है जब घेराबंदी कर पकड़ने का प्रयास किया गया तो अभियुक्त द्वारा अपने साथी राजा खरवार के साथ जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें पुलिस के द्वारा भी अपने तरफ से आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई, जिसमें अभियुक्त जैनुद्दीन उर्फ गोगा घायल हुआ और उसके कब्जे से एक पिस्टल, एक चाकू और एक बाइक अपाचे बरामद हुई है। उसका साथी राजा खरवार चूंकि अंधेरा था इसका लाभ उठाकर जो है फरार हो गया उसके पकड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।